हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना गैस जलाए बिना घी मावा के बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले यहाँ ये मैंने 1 कप के करीब चीनी ली है, जिसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही ये 6-7 हरी वाली इलायची, इन्हें डालकर बारीक पीसेंगे। चीनी इलायची बारीक पिस गई हैं, इन्हें एक मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। इलायची डालने से बहुत बढ़िया जब हम मिठाई बनाएंगे उसमें फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं 1 कप ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, इसे डाल लूँगी। ये किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। साथ ही 1/2 कप मिल्क पाउडर है, इसे डालेंगे। तो ये जो मिल्क पाउडर है, इससे जो बाजार वाला टेस्ट है वो हमारी मिठाई में आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इन्हें मिक्सी के जार में डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर को और मिल्क पाउडर को डालकर एक बार पीस सकती हैं, लेकिन दानेदार मिठाई बिना पीसे ही बनेगी। ये मैंने पहले से ही उबला हुआ फुल क्रीम दूध लिया है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए कि आप दूध को थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ ज़्यादा दूध ना डालें। अब इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मुझे 1-2 चम्मच दूध की और आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ 1/4 कप दूध में से भी देखिए काफ़ी दूध, 3-4 चम्मच बच गया है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हाथ से एक साथ इकट्ठा करने से भी पता चल जाता है कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। बर्फ़ी सेट करने के लिए यहाँ ये मैंने इस तरह से एक ट्रे ली हुई है और ये बटर पेपर ले लिया है। ट्रे में भी मैंने घी थोड़ा ग्रीस कर लिया है और ऊपर से बटर पेपर पर भी घी ग्रीस कर रही हूँ। हम किसी भी थाली, प्लेट या प्लास्टिक के कंटेनर में भी बर्फ़ी सेट कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने से बर्फ़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। और बर्फ़ी वाले मिश्रण को ट्रे में डालकर स्पैचुला से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे हमारे बर्फ़ी के पीस बढ़िया से निकल कर आएँ। जैसे कोई भी त्यौहार क्यों ना आ जाए, तो हमारे आपके घरों में साफ़ सफाई का भी काफ़ी काम बढ़ जाता है, तो उस समय हम इस इंस्टेंट मिठाई को बनाकर अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। आप मार्केट में ये मिठाई लेने जाइए, आपको 1000 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी और घर पर यह बहुत सस्ती मिठाई टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब 10 मिनट के लिए इसे मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 10 मिनट बाद मैं मिठाई को फ्रिज से निकाल लाई हूँ। वैसे ये 15-20 मिनट में फ्रिज से बाहर भी अच्छे से सेट हो जाती है। मुझे थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। देखिए कितने अच्छे से ये बटर पेपर मिठाई से निकल गया। मिठाई मार्केट के जैसी लगे, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकती हैं या ऐसे भी खाएंगी तो बहुत टेस्टी मिठाई लगेगी। अब इसके आप अपने मनपसंद शेप में पीस काट सकती हैं। पीस काटते हुए देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे से ये हमारी मिठाई सेट हुई है। पीस भी आप अपनी पसंद से थोड़े छोटे या बड़े काट सकती हैं। बर्फ़ी का एक पीस मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे से ये बर्फ़ी हमारी सेट हुई है और दानेदार बनी है। देखिए, बिल्कुल कलाकंद के जैसी ये हमारी दानेदार बर्फ़ी बनी है और बहुत ही टेस्टी भी है। कोई भी इसे खाकर ये नहीं कहेगा कि हमने घर पर बनाई है। अब तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बर्फ़ी को मैंने ऊपर से थोड़ा और डेकोरेट कर दिया है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी ये कम समय में टेस्टी सी मिठाई बनाकर खा सकें। और हाँ, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।